कराची डिस्ट्रिक्ट कोरंगी इंस्पेक्टर फारूक अहमद संजवानी SHO कोरंगी तैनात अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। कराची SSP मलीर सैयद इरफान अली बहादुर के सख्त अहकाम, मंशियात फरोश के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मलीर पुलिस का मंशियात के खिलाफ क्रैक डाउन जारी, मुतादित कार्रवाइयों में कई मंशियात फरोश गिरफ्तार करके चर्स हीरोइन और कच्ची शराब बरामद कर ली गई। थाना स्टील टाउन पुलिस के हाथों मंशियात फरोश अनवर जेब वल्द तस्लीम खान गिरफ्तार। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम से जर फरोख्तगी 1,000 रुपए भी बरामद हुए। एक और कार्रवाई में कच्ची शराब के डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया। भारी मिकदार में कच्ची शराब बरामद। स्टील टाउन पुलिस ने टारगेट छापे में मुलजिम एहसान अली वल्द अनवर को 225 लीटर कच्ची शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम से जर फरोख्तगी 1,470 रुपए भी बरामद हुए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई के लिए शोबा तफ्तीश के सुपुर्द किया गया। थाना बिन कासिम पुलिस का मुखबर की इत्तला पर कामयाब छापा। मंशियात फरोश नूर मोहम्मद वल सच्चल भारी मिकदार में चर्स समेत गिरफ्तार। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम से 2 किलो 230 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम से जर फरोख्तगी और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक कार्रवाई में थाना मलीर कैंट ने मख्फी इत्तला पर कामयाब छापा मार कर हीरोइन फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अली हसन वल रहीम बख्श से बर वक्त गिरफ्तारी 60 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कराची शहर में दहशतगर्दी का खतरा, ड्रोन कैमरे उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी DIG साउथ की दरख्वास्त पर जिला साउथ में लगाई गई है। जिला साउथ में 60 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।